पेड़ पौधों को लगाना सरकार की प्रमुख योजनाओं में एक है और सरकार ने इसके तहत बड़ी संख्या में पेड़ भी लगवाई है, किंतु जितने पेड़ लगाए गए वो किस स्थिति में है, कौन उसका परवरिश कर रहा है, यह जब आप जानने की कोशिश करेंगे तो अपने आप में एक सवाल खड़ा हो जाएगा कि आखिर सरकारी योजना का हश्र क्या है। किंतु यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि सरकारी दफ्तरों का एक भी व्यक्ति अगर चाह ले कि उसे हजारों पेड़ लगाने हैं और उसे अच्छी परवरिश देना है तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता है, और एक व्यक्ति हजारों पेड़ को लगाकर समाज को एक अच्छा मैसेज दे सकता है। और सरकारी दफ्तर का महज एक व्यक्ति भी पूरे कार्यालय के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी उदाहरण बन सकता है, न केवल उस व्यक्ति का बल्कि पूरे कार्यालय का भी मान सम्मान बढ़ सकता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है पूर्णिया के लघु जल संसाधन विभाग पूर्णिया के कर्मचारी कोमल कुमार चौधरी ने। कोमल कुमार चौधरी ने विभाग के कार्यालय परिसर में छोटे बड़े सैकड़ों पेड़ पौधे न केवल लगाए हैं बल्कि वर्षों से उसकी परवरिश भी करते आ रहे हैं, जिसका परिणाम आज यह है कि लघु जल संसाधन विभाग पूर्णिया पहुंचेंगे तो कार्यालय खूबसूरत गार्डन की तरह आपको दिखेगा। इसके लिए कोमल कुमार चौधरी को विभाग ने कोई विशेष निर्देश नहीं दिया है, किंतु इसके बावजूद इन्हें पेड़ पौधों से इतना लगाव है कि कई जगहों से डालियां काट काट कर यहाँ पेड़ पौधों को लगाया है, जिसमें कई फलदार पौधे हैं तो कुछ फूलदार और कुछ शो प्लांट हैं। दरअसल कोमल कुमार चौधरी इस विभाग में निम्न वर्गीय लिपिक पद पर तैनात हैं। इनका काम प्रधान लिपिक को सहायता पहुंचाना है, न कि गार्डन में खुरपी कुदाली चलाना, किंतु इन्हें पेड़ पौधों से इतना लगाव है कि यह कार्यालय का काम करने के बाद सुबह शाम अपने हाथों में खुरपी कचिया और कुदाल लेकर खेतों में पौधों की सेवा करने निकल जाते हैं और साफ सफाई करने के साथ साथ सिंचाई का भी भरपूर ख्याल रखते हैं। यही वजह है कि इनके कार्यालय परिसर में आज सैकड़ों पेड़ हरियाली मिशन को सार्थक करते दिख रहा है, और इनके कार्यालय के कर्मचारी भी इनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। कोमल कुमार ने संदर्भ में बताया कि लॉकडाउन में जब वह घर में बंद हो गए थे तो उसका एकमात्र काम पेड़ पौधों को लगाना, उसकी परवरिश करना, सिंचाई करना यही रह गया था, क्योंकि बचपन से ही उसे पेड़ पौधों से विशेष लगाव है, और वे जब गांव में थे तो वहां भी बड़ी संख्या में उन्होंने पेड़ पौधों को लगाया था। तो है ना टोटल हरियाली सर जी, ये हम किए और कुछ ऑफिस से भी वृक्ष मिला है ऑफिस की तरफ से, और हम अपने दम पे ये हरियाली को। आप खुद से भी पौधा लगाए हैं? हम हाँ सर, खुद से भी पौधा लगाए हुए हैं सर। तो ये पूरा देख रेख आप ही के अंडर? हम ही के अंडर में। कितना पेड़ पौधा आप लोग लगाए? इसमें तो सर देख लीजिए मोटा मोटी 1000 पौधा से कम नहीं होगा। 1000 पौधा आप लोग लगाए जी? तो किस तरह का पौधा है इसमें लगा हुआ? इसमें हर तरह का फूल है, फल है, अमरूद है, मान के चलिए कटहल लगाए हैं, जामुन लगाए हुए हैं, फूल पत्ती अन्य पौधा लगाए हैं, तुलसी का पेड़ सैकड़ों लगाए हुए हैं। ये सब तरह का पेड़ पौधा यहाँ आप लोग लगा कर? जी जी जी। तो इसके पीछे क्या मकसद है आपका? इसके मकसद यही है कि सर हरियाली है और मान के चलिए वृक्ष हर आदमी को लगाना चाहिए, जिससे कि मान के चलिए हर व्यक्ति को एक ना एक वृक्ष लगाना चाहिए धरती पर सर। इसके लिए तो आप इसी का ऑफिस में काम करते जी हैं? जी, हम इसी ऑफिस। किस पोस्ट पे हैं आप? हम LDC में हैं सर, निम्न वर्गीय लिपिक। लिपिक पे हैं जी। तो ये बताइए लिपिक पे तो और भी लोग होंगे? जी जी। तो सारे लोग इसमें काम करते हैं या फिर अकेले आप? नहीं, हम अकेले करते हैं सर। अकेले हमारा ड्यूटी है कि हम 4 बजे जग जाते हैं सर, उसके बाद हम अपना लेटरिंग वटरिंग गए, उसके बाद अपना हम पौधा में लग जाते हैं। तो ये ऑफिस से आपको कहा गया है या फिर अपनी मर्जी से आप करते हैं? हम अपने मर्जी से लगाए हुए हैं सर। आप अपने मर्जी से? जी जी। ऐसा क्यों? ऐसा कि हमारा सर इससे क्या है कि हमारा स्वास्थ्य भी ठीक है, मान के चलिए हमारा कार्यालय भी अच्छा लग रहा है, और हमारा साहब लोग हैं, भाई बंधु लोग हैं, उसको स्वच्छ हवा कम से कम हमारी तरफ से मिल रहा है सर, इसी वजह से हम। तो पेड़ पौधा से आपको काफ़ी लगाव है? बहुत, एक बचपने से हमको पेड़ पौधा से लगाव है, और टोटल एक एक वृक्ष को हम देखते हैं, कौन पानी मांगेगा वृक्ष, कौन मान के चलिए क्या। अभी देख रहे थे कि हम इसमें खुरपी तुरपी दे रहे थे जी।
तो ये बचपन से ही आपको लगाव जी? वृक्ष हमको बचपन से लगा है सर। तो आप इससे पहले भी और जब जब ऑफिस में था वहाँ भी इस तरह से करते थे? नहीं सर, हम जो है कि हम यहाँ 2014 में ज्वाइन किए, समझे ना, 2014 में तो ऑफिस यहाँ नहीं थे। पिछले लॉकडाउन जो है सर, मतलब शुरुआती जो लॉकडाउन हुआ, घर से बाहर निकलने के लिए माने कि पत्नी हो बच्चा हो नहीं देते थे, तो हमारा एकाएक दिमाग में हुआ कि इतना सारा ज़मीन है हमारे कार्यालय में, हम इसी में अपना मान के चलिए वृक्ष पौधा लगा देते हैं और अपना इसी में सेवा करते हैं सर, रहते हैं। तो ये लॉकडाउन का असर है? जी जी, ये लॉकडाउन का असर है सर। और हम इसमें बहुत सारे वृक्ष जो है हम छाल लगाए हुए हैं सर, डाली काट काट के लगाए, डाली काट काट के, कहीं गए पसंद हो गया तो दो डाल काट लिए, और कुछ ऑफिस की तरफ से भी वृक्ष मिला है सर। अच्छा, आप तो बोले कि बचपन से पेड़ पौधों से लगाव है आपका। जी बचपन से सर। तो लेकिन ये लॉकडाउन में वो जग गया? जी लॉकडाउन में जग गया सर। तो और इससे पहले जिस ऑफिस में थे वहाँ भी इस तरह से करते थे क्या? मैंने कि फर्स्ट हमारा ज्वाइनिंग यही है। फर्स्ट ज्वाइनिंग यही है, इससे पहले और कहीं ज्वाइनिंग नहीं? नहीं सर। तो गांव घर में तो करते होंगे पेड़ पौधा? लगा गांव घर में लगाए हुए हैं, बहुत सारे महोगनी लगाए हुए हैं, फूल पौधे लगाए हुए हैं गांव में भी। तो साहब लोग आते हैं तो क्या बोलते हैं? साहब लोग भी इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं, समझे ना, और स्टाफ भाई भी खुश हैं इससे कि बहुत अच्छा हमारा कार्यालय लग रहा है। तो ये सब काम तो जनरली फोर्थ ग्रेड का कर्मचारी देखता है जी, लेकिन ये आप देख रहे हैं? हम सर, हम अपना स्वेच्छा से देख रहे हैं, हमको कहीं किसी से दबाव नहीं है कि आप करवे कीजिए या नहीं कीजिए, हमको कहीं से कोई तरह का दबाव नहीं है, और हम अपने स्वास्थ्य के लिए भी कुछ करते हैं। अच्छा, निम्न वर्गीय लिपिक पर यहाँ कितने लोग हैं? डिवीजन में भी हैं और मान के चलिए सर्किल में भी हैं। आप तो यहीं रहते हैं? हम यहीं रहते हैं। तो आपके साथ में और भी लिपिक रहते हैं यहाँ? एक रहते हैं, एक रहते हैं जीतन जी हैं, और एक चौकीदार, चौकीदार रहते। तो वो लोग को इससे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है या नहीं? सिर्फ मैंने की वृक्ष जितना इसमें देख रहे हैं, उधर सब भी जामुन तामुन वगैरह है, सब्जी वगैरह भी लगाए हैं? हाँ, सब्जी वगैरह भी इधर लगाए हुए हैं सर। तो ताजा सब्जी खाते हैं आप? हाँ, ताजा सब्जी खाते और खिलाते भी हैं। हाँ, सबको खिलाते हैं। हाँ हाँ हाँ, सबको। चलिए, क्या मेहनत करते हैं कोमल जी? सब बहुत मेहनत करते हैं, जैसे कि डाली भी काट के अपने से लगा देते हैं तो पानी उनी देते हैं तो लग जाता है। तो इतना जो खूबसूरती है, पेड़ पौधा लगा हुआ है, इसका अगर किसी को श्रेय देना हो तो किनको दीजिएगा आप? किनको दिया जाएगा? आप लोग को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, हम लोग का तो स्वच्छता मिल रहा है, दर्शन भी हो रहा है फूल का, पौधों का, अच्छा भी लगता है, जो भी आता है देखता है तो बोलता है कि अच्छा लग रहा है। आप लोग भी इसमें हाथ बढ़ाते हैं क्या? नहीं, हम लोग नहीं बढ़ाते हैं। क्या आप लोगों को लगाव नहीं है क्या? नहीं, लगाव है, हम लोग का मेहनत नहीं हो पाता है। अच्छा, मेहनत आप लोग कर नहीं पाते? अच्छा, इनको अनुभव है, कर लेते हैं जी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति की दिलचस्पी अगर इस क्षेत्र में हो जाता है तो कितने पेड़ पौधों को लगाकर न केवल उसकी परवरिश कर सकता है बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी के लिए एक वरदान भी साबित हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि शुद्ध हवा कहीं और से नहीं बल्कि इन्हीं पेड़ पौधों से मिलती है। किंतु बहुत सा कार्यालय को देखकर आपको निराशा होगी जहां सरकार ने हजारों रुपये खर्च किए ताकि पेड़ पौधों की परवरिश हो सके, किंतु उस कार्यालय में आज आपको दो चार पेड़ पौधे भी नहीं मिलेंगे। वैसे लोगों को कोमल कुमार चौधरी के कार्यों से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है।